नमस्कार दर्शक बंधु मु अविनाश षडंगी रविवार र स्वतंत्र आलोचना को आपण मानकु स्वागत करुछि। गत थरो आलोचना आमे करथिले जे पाप कोन पुण्य कोन एवं से पाप कथा कुने आजिर आलोचना जे केउ दिन आमिष खाइले पाप। दर्शक बंधु आपण समस्त जानिथिबे जे आमिष खाइबा द्वारा कोन हेइथाय न हेइथाय किंतु आमिष खाइले पाप हुए अनेक लोकंकर विचार अछि एवं साधारण तो लोक माने बारे आमिष खाती अर्थात बुधवार को समान आमिष खाइबापी बाछंती किए शुक्रवार खाए तो किए रविवार खाए एवं आहरी अनेक लोक अच्छा जे सब बारे भी आमिष खाती कि लोक अच्छा सोमवार गुरुवार को छाड़देले अन्य दिन में आमिष खाती किसी लोक ताकि मंगलवार और शनि को मिशाती कौटी हनुमान बार कौटी देवी बार रविवार अनेक लोक आमिष भक्षण करती ना एवं जी अबारे आमिष खाऊ विशेष दिन आज हूँ रामनवमी। रामनवमी में जे आमिष खाऊ थाए जदि होटेल से लोकटी खाऊ पाख स्थान से खाऊ कि नौची से लोकटी टी कणईकर अनई थाए एमती एक नयन में अनई थाए एमती एक दृष्टि अनई थाए जे से लोकटी गोटे विराट बड़ पाप करुच्छी। वास्तव कथा प्रकृत में कौन जे विभिन्न पुनई पर्व संक्रांति विशेष दिन मानक आपण आमिष खाऊ अबारे आमिष खाऊ पाप किए कौ दिन प्रकृत में दर्शक बंधु आमिष खाइबे जुक्ति अच्छी जमी अन्न सेमती मन जेभली शुद्धि से भली बुद्धि अर्थात आपणकर अन्न आपणकर मन को सूचे थाए कि जदि आपण आमिष खाऊ हिंस्र होदि आपण शाकाहारी ताल आपण मन भितर जीव प्रति दया अच्छी कि एक जदि तुलसीदास कथा को आसवा जे बेकहीन पशु भी समाना एक संत तुलसीदास लिखुंजे बेकहीन लोक जे जीवन हत्या करुच्ची बा जा भितर मानविक संवेदन शून्यता ना से पशु समान हो गीतारे सेमती कथा लिखाही तान हम द्विशत क्रूडाम संसारे सुनराधमान क्षिप्रा मजस्र आसुवा आसुरी शैव जोड़ीसु मुई मानक आसुरी जोड़ी में पकाए संसार नराध मान जो मान जीव प्रति दया ना अर्थात जो मैंने आमिष खाऊ प्रत्येक दिन जीव मान हत्या करजर पार्टी लालसा को चरितार्थ करने ताहले से मानू किसी जोरी में पड़ा को पड़े कि भगवान समान को ऊपर क्रोध करती कि ये विचार ये कथा दर्शक बंधु सामना को आसे तेणु आमिष कौ बारे आपण खाइबे आमिष को लेकिन जो व्याख्या रही कि संस्कार संस्कृति पुराण इतिहास प्रकृत में कौन कहूँ एवं आमिष खाऊ लोक मैंने प्रकृत में पापर भागीदारी हूँ कि आम गत थर तो पाप पुण्य उपर विचार करते कि आमिष आपण को पापरे पकाए कि ठाकुर आमिष जदि आप खाऊ क्रोध करती कि ठाकुर एमती अनेक जुक्ति अच्छी ठाकुर पाखे आमिष भोग लगे देवी पाखे आमिष भोग लगे एक भी आम जानते तेणु आमिष निरामिष को जो बड़ प्रश्न सामना को दर्शक बंधु ताकू आपण सामने रखी जो प्रश्न उपर आज वितर्क पर्यवेक्षित हम जो बड़ आलोचन में सहित भेट करी से प्रश्न मुझे रखुच्छे बिग क्वेश्चन आज वितर्क बड़ प्रश्न हूँ जे आमिष खाइले पाप हम कि कौ दिन आपण आमिष खाइले पाप भोगे कौन बुधवार रविवार खाइले पाप नुहे सोमवार गुरुवार खाइले पाप कौ दिन आमिष खाइबे अबारे जदि आमिष खाऊ आपणकर क्षति घटे कि आमिष भक्षण द्वारा भगवान क्रोधित हूँ कि संक्रांति पुनई परब एवं विशेष दिन में आमिष निषेध रही कि प्रकृत में आमको आमिष खाइबार प्रकृत में आवश्यकता अच्छी ना नहीं आमिष खाऊ जीव प्रकृत में हिंस्र कि एक सामना को आसे एवं आमिष खाइबा द्वारा रोग उत्पन्न हुए कि निरोगी रोहे निरामिषाशी लोकटी आमिष भक्षण द्वारा जो जीवर हत्या कर महापाप कि शरीर को आमिषर आवश्यकता दर्शक बंधु केते रही एक भी आपण रखार आवश्यकता रही दर्शक बंधु आमिष को लेकिन जो तथ्य रही आम पाखे भी टी आप रखापी चाहिए कहीं ना ये वितर्क भी तथ्य उपर भी पर्यवेक्षित खाली तर्क नुहे जातीय परिवार कल्याण स्वास्थ्य सर्वे मो रिपोर्ट आपण को आणुची भारत एवं आमिषाशी 70% रु अधिक भारतीय आमिष भक्षण करती ये सर्वे बा डाटा कहूँ 70% महिला 78% पुरुष मांस भक्षण करती अर्थात महिला पुरुष मैंने अधिक आमिषाशी तेलंगाना आंध्र पश्चिम बंग ओडिशा तमिलनाडु झारखंड में 97% आमिषाशी जदि पंजाब हरियाणा गुजरात राजस्थान को देखिए संख्या कम अर्थात 40% तले रोचार आमिषाशी एवं 2020 रा डाटा कहूँ 60 लक्ष टन मांस भक्षण कर भारत बा भारतवासी एवं भारत जी जनसंख्या तार अधा जनसंख्या सप्ताह थे आमिष भक्षण करती
42% महिला 49% पुरुष सप्ताह को थरे आमिष खाती। जदि धर्म को आपण जीवे ख्रिस्टियान माने तांकर जनसंख्या तुलना रे अधिक अंडा मांस भक्षण करती, ता तळकु रहिछंती मुसलमान एवं ता तळकु हिंदू रहिछंती। ए कथा मध्य विचार रो सपक्ष आसे जेतेबेले आमे भारत एवं आमिषासी को नेकी तथ्य उपस्थापन करूछे। किंतु ए तथ्य भितरे डाक्टर मानकर कथा जदि आसीबे शरीर को उपयोग आवश्यक करथवार जो विटामिन को देखिबे से विटामिन नो तथ्य मु आमिष को नेकी आपण को सामने रखुछि। को आमिष रु कोन विटामिन मिलुछि? माछरे प्रोटीन रहुचि, ओमेगा 3 फैटी एसिड रहुचि। जेतेबेले कोउ आमिष केउ विटामिन को नै चर्चा करुचे, माछरे विटामिन डी भी अछि, विटामिन बी 2 भी अछि, कैल्शियम अछि, फास्फोरस अछि, मिनरल्स अछि, ता शरीर पय केते उपयोगी आपण जानिछंती। आयरन, जिंक, आयोडीन, मैग्नीशियम, पोटासियम भी अच्छी डाक्टर एक कथा को बुझेबे। कुकुड़ा मांस चिकेन को जदि आसीबे विटामिन B6, विटामिन B12, मिनरल सेलेनियम भी अच्छी, चिकेन रे राइबोफ्लोबिन अच्छी, नियासिन अच्छी, पैंथोथेरिक मध्य अच्छी। ए विटामिन एसिड गुड़िक आम पाखे रही जिनसर मिले। चिकेन रे बायोटिन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक मध्य आम शरीर को मिलता है। जदि मटन को आसीबे थियासिन, विटामिन B6, विटामिन B12, फास्फोरस, आयरन, कॉपर एकथिक आम देह को मिलुछि। एवं अंडा रे मध्य विटामिन ए, V5, B12, B2, फास्फोरस रही, सेलेनियम रही, फलटा एसिड रही। एवं ए कथा मध्य अंडा रु आमको मिलुछि। एवं अंडा रु मध्य अल्प मात्रा रे विटामिन डी, ई, के, V6, कैल्शियम, जिंक रहुछि। डाक्टर भी ए कथा को आपनको अधिक भाव रे बुझेबे। किंतु जेतेबेले आमे ए जो अंडा रे, माछरे, मांसरे, कंकड़े विटामिन रो कथा देखुचे तहा मध्य शरीर को उपयोगी हो। निरामिषासी मध्य कही पारंती जे निरामिष खाद्य रो मध्य ए विटामिन आमको मिली पारे, किंतु यहा तरह पाप प्रकृति रे हुए कि? किंतु आमिष विपक्ष रे जो युक्ति अछि ताको भी मुटी के आपनको सामना को रखि दबा पई चाहिबी। जे जेमिति अन्न सेमिति मन, जेभली शुद्धि सेभली बुद्धि, एक कथा को कौन ग्रहण करा जाई पारिबो कि? जे खाद्य अनुसार आपणकर बुद्धि शुद्धि मन, आमिष खाउथबा जीव प्रकृति रे हिंस्र कि? एवं शाकाहारी माने हिंस्र नुहंती, एक कथा निरामिषासी माने कहंती। एवं आमिष खाइबा द्वारा आमर रोग उत्पन्न हुए, जो लोकटी अधिक आमिष खाए से अधिक रोगाक्रांत हुए कि? एवं बारंबार रोगरे मनीष पड़े जितेबले आमे आमिष खाउछंती। एवं आमिष खाउथबा लोक माने संजमी नुहे, एक कथा भी मध्य कहुजाए, बा जो माने निरामिष खांती समाने मध्य कहंती एवं समाने संजमी नुहे। आमिषासी मानकर जीव प्रति दया नाही, मानविकता नाही, एवं समाने क्रूर, समाने कुटिल, लंबा आयु बा अधिक दिन बंचिबा पई शुद्ध शाकाहारी हेबा उचित, ये मध्य आमिष विपक्ष रे युक्ति रही। दर्शक बंधु, बड़ पैनल बड़ वितर्क को आपको परिचय करुच्छे। मो सहित देवेंद्र सुधार अच्छा हेतुवादी, मो सहित सुधांशु अधिकारी अच्छा पतंजलि समितर ओडिशा मुख्य, मो सहित वरिष्ठ विशिष्ट पाला गायक श्रीयुक्त अजय दास सामिल होती, डाक्टर सूर्य प्रकाश चौधरी अच्छा वरिष्ठ चिकित्सक, समस्त को बड़ पैनल को स्वागत करुच्छी। प्रथम श्रीयुक्त अजय दास, मुझे निकट आरंभ करी जे आमिष खाइले पाप हुए कि? एवं कौ बारे आमिष खाइले पाप? आमर तथ्य कौन कहुची? संस्कार, संस्कृति, इतिहास एवं पुराण कौन कहुची? हाकु नै कि अज्ञा परम खारयत नीति धर्म, किंतु आमर आमिष भक्षण पश्चिम देश रे आमिष भक्षण कहिबा को निषेध करा जाय नथिले मध्य, आमर रविवार दिन, गुरुवार दिन, मंगलवार, सोमवार এই চারোটি বারে আমিষ ভক্ষণ করা নিষেধ করা যাইছে। আমার শাস্ত্র মধ্যে কৌছি স্ত্রী তৈল মধুমাংসানি জ করতি রব্য দিনে সপ্ত জন্মে ভবেত রোগী জন্মে জন্মে দরিদ্রতা। রবিবার দিন আমিষ ভক্ষণ কলে সাত জন্ম পর্যন্ত রোগ সৃষ্টি হব, সে রোগ হি রহিব, আউ জন্মে জন্মে দরিদ্রতা। রবিবার আমিষ ভক্ষণ কলে লোক গরিব হই যান। গুরুবার সাধারণত স্ত্রী লোক মানে আমিষ ভক্ষণ করা আমার বলরাম দাস লিখে যাই, রবিবার গুরুবার যে নারী আমিষ ভক্ষই তার স্তু ভার্গবী যে ছাড়ি চালি যায়। ভার্গবী হচ্ছে লক্ষ্মী, লক্ষ্মী নারী হতু বা পুরুষ হতু, যদি গুরুবার দিন আমিষ ভক্ষণ কলে তাঁর লক্ষ্মী ছাড়ি চালি যান। সেইপাই আমার সোমবার, মঙ্গলবার, গুরুবার আর রবিবার এই চারোটি বার কু আমিষ ভক্ষণ করা নিষেধ করা যাই, কিন্তু অন্য বারে গ্রহণ কলে তা চলি যাব। কাহি শরীর কু রক্ষা করা যদি আমার ডক্টর মানে কুচি আমিষ ভক্ষণ কলে শরীর কিছু কার্য সুচারুরূপে চালিব, রোগমুক্ত শরীর বি রহিব। কিন্তু কতক স্থানরে কুহা যাচ্ছে আমিষ ভক্ষণ কলে মধ্য
रोगाक्रांत शरीर एथिपाय डॉक्टर माने भी मतामत देई नाहंती जे आमिष जने भक्षण कले रोगाक्रांत शरीर हेब एथिरे मध्ये कोनसी अमर प्रमाण नाही यज्ञवल्क लेखिछंती अमावास्या संक्रांति आउ पूर्णमी तिथिरे आमिष भक्षण करिबा दोषाव तेणु अमावास्या संक्रांति पूर्णिमा आया आमिष आदि द्रव्य भक्षण निषेध ताको आमिष भक्षण करिबा पई निषेध करा जाय अछि किंतु आमिष आमर शरीर पई केते हितकारक आउ केते क्षतिकारक यार पुंखानुपुंख आमर समस्त डॉक्टर महाशय माने से विषय रे तो खाली गोटे कथा श्रीयुक्त अजय दास आपन को पचारे पय चाहे आपन जेमती कहुतिले रवि गुरु मंगल एवं सोमवार ए जो कथा गुड़िक जो दिन मानक आमिष भक्षण करुच्छे सात जन्मर रोग दारिद्रता लक्ष्मी छाड़ी चली जावा ये प्रमाण सिद्ध कि आपन देखुं कि जो मैंने दिन में आमिष भक्षण करुंकर सब असुविधा घटी महाजन आमे माने ताहाकु पालन करुछन्ति जेभली भागवत रे अछि महत जाहा चोरीबे इतरे ताहि पाळीबे महत लोक जाहा करि जाइछन्ति आमे सेही कथाकु मानि चलुछन्ति किंतु यही पाररे आमिष भक्षण करिबा यज्ञ बलक आदि मुनि ऋषि माने कहिछन्ति यही जो पाररे सोमवार मंगलवार गुरुवार रविवार आमिष भक्षण करिबा संपूर्ण निषेध ओके मु फेरुची आप निकट को आम सहित श्रीयुक्त देवेन्द्र सुतार श्रीयुक्त देवेन्द्र सुतार कहते श्रीयुक्त अजय दास जे रवि गुरु मंगल सोमवार एवं अमावास्या संक्रांति पूर्णिमा ये बारण रही जदि आप खाऊँ कौन असुविधा हुए एक रही आप मत कौन निर्दिष्ट भाव में आमिष को लेकिन पाप पुण्य को लेकिन देखो आम शरीर को जहाँ आवश्यक आम से खाइबा आ शरीर कौन खाइब से पाप पुण्य लगे सेमती किसी ना ए बारे खाइले लक्ष्मी आसवनी से बारे खाइले पाप हम सेमती किसी ना संपर्क में किसी जुक्ति ना बिल आप देखु आपे कहले तथ्य भारत बर्षर प्राय 70% लोक आमिषासी एवं पृथ्वीर अधिकांश लोक ही आमिषासी बिल गेट्स कौन जो आमिष खाऊना पुणी पृथ्वीर सबुठ बड़धनी कौन पर अच्छा तेणु आप आमिष बा निरामिष कौन खाइबे संतुलित भाव में खाइबा दरकार आपण शरीर आवश्यकता कौन से बुझी विचारी करवा दरकार आपण आज आम जी चिंता करवा जो मंगलवार कौन खाइबा से एगुड़ी को सब जोड़ी दिखाई परवर्ती अवस्था आप देखु आपण जगन्नाथ मंदिर को बिलाती आलु जाए नी बिलाती बैगण जाए नी कोबी जाए नी अमृतभंडा जाए नी ता माने एगुड़ा सब विदेश आसी जाए आप देखिए चंदनेश्वर से पानी सिंगड़ा भोग होता बेले लिंगराज पाखे आप चीनी खई आरा भोग हो तेणु आमर गोटे केन्द्रापड़ा पाखे गोटे मैंने ठाकुराणी अच्छा से शुखुआ पोड़पिठा भोग हुए आउ गोजबायणी से आमिष भोज हुए माछ भोग हुए तेणु ये गोटे गोटे आम गोटे गोटे तार तैयारी करदेचु यहाँ के आवश्यकता के आवश्यकता नु कि आमिषर जो शरीर पाई जो आवश्यकता अच्छी ताकू आपण को देखापी पड़ो आम वायु नौचे वायु आपणकर बैक्टेरिया जाऊँ सेटा मध्य ननभेज बा आमिष आपण पानी पीउछंति पानी रे मध्य आपणकर बैक्टेरिया जाउची फंगस जाउची सेथिरे मध्य सेटा मध्य आमिष आपण चीनी खाउछंति चीनी प्रोसेसिंग करिया पई जो प्रोसेसिंग पई जो लागुची सेथिरे मध्य आमिष आपण फिल्टर व्यवहार करउछंति ता सेथिरे जो आपण कार्बन पकउछंति फिल्टर करिया पई सेटा मध्य आमिष तेणु आपण खीर खाउछंति सेथिरे मध्य आमिष जाउची आपण देखिबे सेथिरे आपणकर रेड ब्लड सेल अणु सेथिरे बाहर आपण प्रत्येक जिनिष आपण जदि कौनसी मेडिसिन खाउछंति इंसुलिन नौछंति सेथिरे मध्य जाइछि तेणु प्रत्येकटा बेले त जदि आमिष आमे ताकु छाड़ी रही पारिबा केमिति एगुडिक गोटे भ्रांत धारणा रखाई जहाँफल साधारण लोकटी या न बुझिकी अनेक प्रकार शारीरिक कष्ट एवं अनेक समय पाउछि विटामिन बी 12 कौट पाइब विटामिन डी कौट पाइब ओमेगा फैटी एसिड कौट पाइब से जेतिक पाइब ए जो एनिमल प्रोडक्ट रु सेटा अन्य सोर्स रु करिया पे गले भीतर को आउट के खोलिबि किंतु ता पूर्वरो डाक्टर सूर्यप्रकाश चौधरी आपनकर मत नेबि जे ए संपर्क रे आपनकर व्यक्तिगत मत कोन जे आमिष को दिन खाइबा पाप श्रीयुक्त अजय दास कहते विभिन्न दिन मान कथा विशेष दिन मान कथा श्रीयुक्त देवेन्द्र सुतार कहते
ये गोटे कल्पना जोड़ी दि जाम सहित किंतु शरीर को आवश्यकता आमिष रही किसी लोक कहते निरामिष रु से सब जिन भी मिल पार डाक्तर भाषा कौन कहूँ डाक्तरी पाठ कौन कहूँ आमिष खाइबा उचित कि नुहे आमिष खाऊबा लोक अधिक रोग से पड़ुंट कि देखो सेमती किसी तथ्य नहीं कि जो मैंने आमिष बेस खाती से रोग से पड़ती कि आमिष खाइबाटा आमपाई पाप प्रथम जिनस हूँ सबूत गोटे कहुई जो आम हेल्दी बालान्सड डाएट आपड़ जेकोसी जिन अधिक खाइबे आम गोटे प्रोहर हो एव्रीथिंग एक्सेस इज ब्याड आपड़ एक्सेस भेजिटेबल्स एक्सेस नन भेजिटेबल्स कि आमिष जहाँ एक्सेस खाइबे क्षति आम गोटे बालान्स डाएट हाँ दरकार आम शरीर ब्रेन ठू आरंभ कर हार्ट किडनी लिभर मसल्स बोन्स ए सब प्रत्येक अर्गान काम करवा लगी आम जीक प्रोटीन्स कार्बोहैड्रेट विटामिन्स मिनेराल्स जहाँ दरकार से आम प्रतिदिन से मात्रा आम पाखे पहुँचवा दरकार हेले आम गोटे देहटा शरीरटा सुस्थ भाव आगुकु जीवन जापन कर तेणु प्रथम जिनस हूँ जे आमर जहाँ दरकार मन आम जो गोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट रहा माइक्रो आम जो कहे कार्बोहाइड्रेट फैटी एसिड प्रोटीन्स माइक्रो आम रहा विटामिन्स और मिनेराल्स विटामिन्स आप ए बी सी डी ई के जो मिनेराल्स रहा आप जमी कहते आयोडीन क्या कहतु आयरन क्या कहतु पोटासीयम क्या कहतु सोडियम क्या कहतु कैल्सीयम क्या कहतु विभिन्न प्रकार मिनेराल्स दरकार सबुर गोटे कंपोजिशन आम शरीर को गोटे सुस्थ भाव में गढ़ी चलो सब जिनसर किसी इंपोर्टेंस अच्छी एमती किसी विटामिन्स अच्छी जोटा कि आपंकर भेजिटेबल्स प्रायत मिले जथा मुझे एक्जामपल कह विटामिन बी ट्वेल्व क्या कहतु तार भेजिटेरियन सोर्स हूँ बहुत कम बी ट्वेल्वटा आपंकर प्रायतः मांसरे मीट्रे देखा जाए मीट्रे मिलता है मछरे कि अंडार किसी मात्रा मिलता है भेजिटेबल सोर्स हूँ तार बहुत कम ना कहे चले बी ट्वेल्व हूँ आम शरीर गोटे मुख्य विटामिन जोटा कि आपंकर ब्रेन कि आपंकर हाथ गोड़ सब स्नायु को विकसित करने लगी कि स्नायु को स्ट्रंग करने दरकार पड़े तेनाली गोटे रोगी आसे आम भी क्लिनिकल प्राक्टिस डेली देखीचु आम पचारूँ जो कार हाथ गोड़ झिमझिम हुए कि हाथ गोड़ दुर्बल होगी आसे मेमोरी फेलियर हो जाए डिमेन्सीआ जाए तो आम पचारू आप भेजिटेरियन कि सी कह हाँ प्योर भेजिटेरियन आम सागे सांगे गोटे बी ट्वेल्व एस्टिमेट करता बहुत कम आसी थाए तेणु बी ट्वेल्व भिटामिनटा आपंकर अगर कौन से डाएट्रे मिलेनी से जब बी ट्वेल्व मात्रा आप कमी आप हाथ गोड़ नर्व विक सहित मेमोरी फेलियर डिमेन्सीआ न्यूरोपाथी स्पाइनल कॉर्ड प्रोब्लेम विभिन्न प्रकार समस्या देखादे आउ जमी कहते ओमेगा थ्री फैटी एसिड आलोचना करते प्रायतः मछर से जिन मिलता है ओमेगा थ्री फैटी एसिड आप ब्रेन और हार्ट को काम करने बहुत दरकार आम देह जो रक्त प्रवाह होमती सुचारू रूपे रक्त ठीक से प्रवाह हे तो आम ओमेगा थ्री फैटी एसिड बहुत रोल अच्छी बहुत जगह देखे आम ओमेगा थ्री फैटी एसिड लोक एमती ही मेडिसीन कैप्सूल्स ही आम देता जोटा कि हार्टर फंक्शन भल करें अलग ब्लड वेसल फंक्शन करेंगे छोट पिला जो मैंने अटिजिम पिला जो ब्रेन डेवलपमेंट होने ओमेगा थ्री फैटी एसिड देता जोटा कि मछर प्रचुर मात्रा मिलता है तेणु आमिषर आम बहुत जिन पाँच आमिष भक्षण करूना सुस्थ निरोग जीवन काटुचार कोलेस्ट्रोल मात्रा से पाखे बहुत ना हार्ट ब्लॉकेज ठू आरंभ कर विभिन्न रोग सहित से जुझी होना ये कथि गोटे धारणा तैयारी कर ये धारणा टी भ्रांत जमती मुझ कहली जदि अत्यधिक खाइबे जदि आप डेली आम मंस खाइबू डेली आम मंस खाइबू तो सहीटा भी आप क्षतिकारक कहीं से कोलेस्ट्रोल मात्रा बढ़ी थाए आम यहीटा भी देखीचु जो मैंने अधिक मात्रा मंस खाती से परवर्त समय विभिन्न प्रकार हार्ट समस्या विभिन्न प्रकार किडनी समस्या देखा दे तेणु आम गोटे बालान्स डाएट हवा दरकार जदि आम सप्ताह को दिने कि दिदिन आईस खाई तो कौन असुविधा जैविक भाव में आप शरीर में किसी असुविधा बार को लेकिन असुविधा अच्छी कि विज्ञान रे आज्ञा देखो मुझ टोटाल से विषय जानी जे रविवार आईस खाइले पाप हो सोमवार खाइले पाप हो बुधवार खाइले बहुत भल हे से विषय में मत किसी ज्ञान सहित सुधांशु अधिकारी पतंजलि समित्र ओडिशा मुख्य सुत अधिकारी जोग प्रकृत में कौन कह पतंजलि कौन कह आमिष भक्षण को लेकिन बार को लेकिन पाप पुण्य को लेकिन देखो युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोध से योग भवति दुखा युक्त आहार युक्त विचार युक्त व्यवहार एवं युक्त निद्रा द्वारा मनीष संपूर्णता को पाई एक गीतार उल्लेख कर कथा रहिला कौ बारे खाइबे कौ बारे खाइबे ना प्रथम तो मुझे खाइबि कि ना से कथा चिंता करने को पड़ो मुझे गोटे जीव सृष्टि करें जीव हत्यार सहभागी कहीं से दृष्टि आप विचार करूँ खाइबा एक स्वतंत्र विषय
निजस्व विषय मते कौन खाइबा को भल लागे तार निश्चित भाव में मुझे आडभोकेसी करी मते जदि शुद्ध शाकाहारी भल लगे मुझे शहे प्रकार शुद्धर तर्क शुद्धतार तर्क दे पारे जदि मुझे अल्प मांस खाऊ था अल्प मत खाइबा को कहुई तेल मुझे बार खाजे बार खोजे एवं जदि मुझे नियमित खाइबार भक्षण सपक्ष थी तार मुझे आडभोकेसी करी कथा हे जे प्रकृत में मत बंची रहा सुस्थ रही मांस भक्षण बा ननभेज खाइबार आवश्यकता अच्छी कि जदि मत पचारे मॉडर्न मेडिकल साइंस रो समस्त पारामीटर को आपड़ देखूँ कौटि भी कहा जाए ना जे 100% आप ननभेज खाइले ही सुस्थ रहिबे जो विटामिन बी 12 कथा कहले पालंग सांगरे भरपूर अच्छी दही रे योगर्ट रे भरपूर अच्छी आम चर्चा करूना आम मछर मांसरे अंडारे खोजुचे कथा हूँ निजर स्वतंत्रता को बजाय रखापी खाद्यर स्वतंत्रता भारत संविधान देची मुँ कौन खाइबी न खाइबि किंतु आपड़ जो कथा कहले मोर पूर्व वक्ता माने कहते अमक बार समक बारे खाइबा उचित अमक बारे खाइबा उचित नो अन्य माने भी कहते बार तिथि नक्षत्र ये खाद्यर किछि नै मुँ तो आरंभ ननभेज खाऊ ना मु आज कौन सी रोग से पीड़ित नुहे मुँ तो आपण चलचंचल ही रही जोग आयुर्वेद स्वदेशी सह मु जीवी मो भाई एमती शह शह हजार हजार लक्ष लक्ष अच्छा जदि 30% भी आज अच्छा संख्या दृष्टि परिसंख्यन दृष्टि आपत तो प्रतिशत कम कही पारती कि आज अच्छा मुखर संपूर्ण किए अधिक भावती देखु आपण जदि गूगल सर्च को सीधा जी डाक्तरी विद्या को छाड़ दिंतु मॉडर्न मेडिकल साइंस को आम से पाठ पढ़ू से तर्क आम दबा ना समस्त सब विषय जानवा भी विधेय नुहे किंतु सामान्य गूगल रो गोटे फिंगर टिप्रे मारतु ननभेज खाऊ व्यक्तिर कौन कौन हार्ट आटाक रिस्क अधिक रोचे कैंसर रिस्क अधिक रोचे बोन तार दुर्बल हो जा प्रथम पांचटी कारण से भेज खाऊ लोकटे रोग से पड़ूनी एक रोग से पड़ू आज्ञा ये गोटे कारण नुहे आपणकर सुस्थ दिनचर्या रहा आवश्यक आहार रे सुस्थता रहा उचित व्यवहार विचार एवं निद्रा एवं आपणकर सबुति समतुल संतुलन जो कथा कहगला आपको जो बैलेंस आप रखिए केते व्यायाम करेंगे केते जोग करेंगे कौन आहार नेबे जमी आहार आपणकर सड़ रस अच्छी छोटी जाक रस जीवा दरकार आम राग खटा लुणी मीठा सब खाई दौचे कि कसा पिता के पाप पुण्य को लेकिन कहीं खाइले देखो पाप पुण्यर विचार मोर बेक को जहाँ दंशन करप मते बेक जदि बाधा देउची जे ए काम करबा कथा नो मु जदि गोटे जीव को सृष्टि करि परिबे नै जीव हत्यार मु काहे कि भागीदारी हेबी जदि ए विचार मो भीतर अछि ताहाले एहा मो पई निश्चित भाव रे पाप जदि ताकु मु भाबु नै ताहाले मो पई एहा पाप ओके ओके सिक्त अजय दास एठी वितर्कटी पूरा खोली जाइछि आपण जो 12 रो कथा कहुतले विशेष दिन रो कथा कहुतले हेतुवादी कहिले ये गोटे भ्रम शरीर पई आवश्यकता अछि एवं उदाहरण मध्य श्रीमंदिर रो कथा दउतले तो एथरे आपणक निर्दिष्ट भाव में मत कौन एवं आउ गोटे कथा कहते जे आखि को देखा जाउथबा निरामिष जिनस प्रोसेसिंग बेले आमिष सहित तो संश्लिष्ट संप्रक्त हो कि आसी थाए ताकु नै कि बे आपणकर मत कौन आज्ञा आमर भागवत रे लेखा अछि जाबत नपुरे उत्तर ताबत ज्ञान नाही मोर आउ ता परे आहारे भल मंद नाही चेष्टाने जेमत मिलय आहार मात्र ही भल मंद बोली जिनिस न थाए किंतु आमर जो पूर्व जन गले पतंजलि महाशय वेदेश पुरुष सूक्त पुराणे से वैष्णव भारत श्री भगवत गीता त्रैलोक्य दुर्लभ गीता प्रमाण दौची सात्विक आहार करंतु एणे मध्य आमर शास्त्र प्रमाण दौची न मांस भक्षणे दोष मांस खाइले दोष ना नच मैद्यच वैथुने प्रवृत्ति ही महापाप निवृत्ति ही महापाप तेणु आज नहले हेब ना मछ नहले हेब ना मांस नहले भोजन हेब ना ये गुड़िक हूँ आज्ञा व्यतिक्रम किंतु जिते बड़े आहार भल मंद ना चेस्ता ने जेमत मिले आहार मात्र किंतु सिक्त अजय दास जे कथा हूँ जो माने गीता को मानुछंती जो माने पुराण को मानुछंती सेई माने आमिष भक्षण करिवे नाही बा बार मानन को कथा मानिबे बा अन्य माने न मानिबे ए कथा रहिछि कि बोली भावुछंती ना निश्चय यहाँ रही शास्त्र प्रमाण दौर जन पोषा करेंगे गोटे व्रत करेंगे कई मत्स्य दिखे भक्षण करने मन केवे चाहबो ना आज भक्षण करी मत्स्यादी द्रव्य भक्षण करी एक केवे आज्ञा चाहबो ना तेणु लक्ष्य रखु मत्स्य भक्षण करोष ना कि जो जो बार मानक निषेध कर
ସେଗୁଡ଼ିକ ମାନିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଶ୍ରେୟସ୍କର। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ମହାଜନ ଜେନ ଗତସ ପନ୍ଥା ବା ଅନ୍ୟମାନେ ବା ଆପଣ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ପୂର୍ବସୂରୀ ମାନେ ଯେଉଁ କଥାକୁ ମାନିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ମାନିବା, କିନ୍ତୁ ଆର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଆସିଛି କି ଯେ ଏଇ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସାର୍ ବିଲଗେଟ୍ସର କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ବିଲଗେଟ୍ସ ଆଜି ଧନୀ କି ସିଏ କ'ଣ ମାନୁଛନ୍ତି ଏଇ କଥା, ବା ସିଏ ରବିବାର ଗୁରୁବାର ମଙ୍ଗଳବାର ସୋମବାର ଆମିଷ ଖାଉନାହାନ୍ତି ସେ କଥା ମାନୁଛନ୍ତି କି? କେଣୁ ସେମାନେ ନ ମାନିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ତ ଛାଡିପାରିବା ନାହିଁ, ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ ଯାହା ଅଛି ତାହାକୁ ମାନିବା ହିଁ ଦରକାର। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ନେଇ ଚଳୁଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ନେଇ ସାଇନ୍ସ, ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ନେଇ ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ସବୁ ମତ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ନେଇ, ବିନା ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିତ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ତାହାକୁ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକ୍ତ ଅଜୟ ଦାସ ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ସେମିତି କିଛି କହୁନି, ବାରକୁ ନେଇକି ବିଜ୍ଞାନ ସେମିତି କିଛି କହୁନି ଯେ ଏଇ ବାରରେ ଆମିଷ ଖାଇବା ଉଚିତ କିମ୍ବା ନ ଖାଇବା ଉଚିତ, ତାହେଲେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ନେଇକି ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚିବେ ନା ବିଜ୍ଞାନକୁ ନେଇକି ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚିବେ? ନା, ବିଜ୍ଞାନ ବି ରହିବ, ଶାସ୍ତ୍ର ବି ରହିବ, ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କ ହେଉଛନ୍ତି ପରିପୂରକ, ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ଭଳି ଆଜ୍ଞା ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ। ଆମର ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି, ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି, ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରଭାତରୁ ଉଠି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳହସ୍ତରେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ବିଧେୟ। ଆଉ ତା ମଧ୍ୟ ସାଇନ୍ସ ମଧ୍ୟ ସେୟା କହୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର, ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଭାନୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବା ବିଧେୟ। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଛାଡିଦେଲେ ଆମେ ଏତାନ୍ତ ଉଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇଯିବା। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ବିରତିର ସମୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଖାଲି ଟିକେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସୂତାରଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବି। ଶ୍ରୀକ୍ତ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସୂତାର, ଶାସ୍ତ୍ର ସହିତ ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଡ଼ିକି ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଶ୍ରୀକ୍ତ ଅଜୟ ଦାସ, ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଉଥିଲେ ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ଏସବୁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ କଳ୍ପନା ଏବଂ କଳ୍ପନାକୁ ଯିଏ ମାନିବ ହୁଏତ ଏ କଥା ମାନିପାରେ, ବା ଗୀତାକୁ ଯିଏ ମାନୁଛି ଏ ମାନିପାରେ, କିନ୍ତୁ ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଲୋକ କ'ଣ କରିବେ? ସେମାନେ ଏଇ ପାପପୁଣ୍ୟ ଭିତରେ, ଭ୍ରମ ଭିତରେ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ରହିବେ ନା କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି କିଏ କ'ଣ ଖାଇବ କି ନ ଖାଇବ ସେଇଟା ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଚାର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ଆଇଁଷ ଖାଇଲେ ପାପ ହେବ ବୋଲି। ଆଇଁଷ ଖାଇଲେ କୌଣସି ପାପ ହେବ ନାହିଁ, ଯଦି ପାପ ହେଉଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ହିଁ ଆମିଷ ଖାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ପାପରେ ପୃଥିବୀଟା ଉବୁଟୁବ ହେଉଥାନ୍ତା, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୃଥିବୀର ତିନି ଭାଗ ହେଉଛି ଜଳ, ଏଠି ଆମକୁ ସହଜ ଲଭ୍ୟ ହେବ ଯେକୌଣସି ଜଳ ଜୀବକୁ ବା ମାଛକୁ ଆମେ ପାଇବା ପାଇଁ, ଅନେକ ଜିନିଷ ଆମକୁ ମାଗଣାରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ମାଛ B12 କଥାଟା ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଧରା, ଆମ ରକ୍ତ ତିଆରି କରିବାରେ B12 ର ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁତ ବେଶୀ, ନହେଲେ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଯିବ। ଆପଣ ରକ୍ତ ଯଦି ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଯିବ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେବ, ଡାକ୍ତର ସାହେବ କହିବେ। ତେଣୁ ଆମର B12 ବି ମିଳିବ ହିଁ ମାଛ ମାଂସରୁ। ଆପଣ କେତେ ପ୍ରକାର କେତେ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଖାଇଲେ, କେତେ ଝୁଡ଼ି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଖାଇଲେ ଆପଣ B12 କରିବେ, ଇଏ କରିବେ, ହୁଏତ ଆମର ବଡିରେ ଫର୍ମେସନ B12 ହୁଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନହେଲା ତାହେଲେ ଆମକୁ ସେଟାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ଆମର କୁହାହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ତିଆରି କରୁନୁ, ଆମେ ତ ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା ଆମେ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛି, ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପଶୁପାଳନକୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ମାନ୍ୟତା ଦିଆହେଇଛି, ଯଦି ୟାକୁ ନ ଖାଇବେ, ଏହାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, ହୋଟେଲ ଶିଳ୍ପ ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋସେସିଂ ଶିଳ୍ପ ହେଉ, ତାହେଲେ କେତେ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହେବ, କେତେ ଲୋକ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହେବେ, ଏବଂ ଖାଇ ଆକୁ ଯଦି ନ ଖାଇବେ ତାହେଲେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି? ଆଜିର ଦିନରେ ଲୋକର ଯେଉଁ ଲଙ୍ଗଜିଭିଟି ବଢ଼ିଛି, ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ବେଳକୁ 33 ବର୍ଷ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 70 ବର୍ଷ, କାହିଁକି ହେଇଛି ସମ୍ଭବ ନା? ଏଇଟା ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବା ଚଳଣି ଏଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି ପୃଥିବୀବ୍ୟାପୀ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ ବଢ଼ୁଛି, ବୃଦ୍ଧ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ କୁହାହେଉଛନ୍ତି ଆଇଁଷ ଖାଇବେନି, ଆପଣ ଯେଉଁ କ୍ୟାପ୍ସୁଲ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେ ଯେଉଁ କ୍ୟାପ୍ସୁଲର ଉପରେ ଯେଉଁ କଭରଟି ଦିଆହେଇଛି, ଆପଣ ଭିତରକୁ ଗଲେ ମିଳେଇଯିବ, ତା ଦେହରେ ଜିଲୋଟିନ୍ ଦିଆହେଇଛି, ସେଟା ହେଉଛି ଆନିମଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍, କିଡ଼ନୀ ଭଳି ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ। ଏ ଯେଉଁ ନିରାମିଷର ଯେଉଁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଆମିଷର ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଏ ଆମିଷର ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ବା ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗର କଥା ସାର୍ କହୁଥିଲେ, ଭିଟାମିନ୍ B12ର କଥା, ସେମିତି ସବୁ ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟର ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ନିରାମିଷରେ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମିଷକୁ ଛାଡ଼ିକି ଜଣେ ବଞ୍ଚିପାରିବ କି ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବଞ୍ଚିପାରିବା କଥା ଅଲଗା, ସୁସ୍ଥ ରହିବା ଅଲଗା। ଆମିଷ ଛାଡ଼ି ଲୋକ ବଞ୍ଚିବିଛନ୍ତି, ଆମିଷ ଖାଇକି ବି ଲୋକ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ରୋଗ ହେଉନି, ନିରାମିଷ ଖାଇକି ବି ଲୋକ ରୋଗ ହେଉଛି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଜିନିଷ, ଭାଇସ୍ ବର୍ଷା। ଆମର ଦରକାର, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ଡାଏଟ୍, ହେଲ୍ଦି ଡାଏଟ୍ ଦରକାର, ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ନିରାମିଷ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆମିଷ ବି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କୌଣସି ଜିନିଷର ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସର ଆମିଷ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ନୁହେଁ, ଆମିଷର ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ କଥା କହୁଛି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗରେ ଭିଟାମିନ୍ B12
ମେଡ଼ିକାଲ ବାହାରୁଛି ଆପଣ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସର କ'ଣ ସାଇଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟ ନାହିଁ? ସେଇ ଯେଉଁ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଟମାଟୋ ଏଥିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଅକ୍ଜାଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଥାଏ, ଅକ୍ଜାଲିକ୍ ଏସିଡ୍ଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କିଡ଼ନୀ ଷ୍ଟୋନ୍ କରେ। ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖିଛି ଆପଣ ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ଖାଇବେ, ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ କିଡ଼ନୀ ଫେଲିୟର୍ ଅଛି, ଏତେ ପଟାସିୟମ୍ ଫସ୍ଫରସ୍ ମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯିବ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଣ୍ଡ୍ ରେନାଲ୍ ଡିଜିଜ୍ ହୋଇଯିବ। ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ହାଇ ଫାଇବର୍ ଡାଏଟ୍ ମନା, ଯଦି ଆପଣ ଅତ୍ୟଧିକ ଡାଏଟ୍ ଖାଉଛନ୍ତି, ବ୍ରୋକୋଲି ଟାଇପ୍ର କ୍ୟାବେଜ୍ ଟାଇପ୍ର ଯଦି ଜିନିଷ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଡାଇଜେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ, ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ, ଇରିଟେବୁଲ୍ ବାୟଲ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ଦେଖାଯାଏ, କିଛିଟା ଇନ୍ଫ୍ଲାମେଟୋରୀ ବାୟଲ୍ ଡିଜିଜ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ସିଲିଆକ୍ସ କ୍ରୋନ୍ସ ଡିଜିଜ୍, ଏଥିରେ ଆପଣ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ଖାଇବା ମନା। ତ ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ଗୋଟିଏ ତା'ର ରିଲେସନ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇଟା ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କେହି କାରଣ ନୁହେଁ। ଆମର ଆମିଷରେ ଯାହା ମିଳେ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ପାଇବାନି। ଆମେ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ବି12 ମିଳେ, କେତେ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଖାଇବା? ଆମେ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଖାଇକି ଆମ କିଡ଼ନୀ ଷ୍ଟୋନ୍ ହୋଇଯାଇଥିବ, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା। ତେଣୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ଡାଏଟ୍ ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ଅଣ୍ଡା ବି ଖାଇବା, ମାଛ ବି ଖାଇବା, ମିଟ୍ ବି ଖାଇବା, ତା ସହିତ ସମସ୍ତ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ଖାଇବା। ଆମେ ଯଦି ଆମିଷର ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଦେଖୁଛେ, ଆମିଷର ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ କହିପାରୁଛେ, ହଁ ଏଥିରେ କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇପାରେ, ବହୁତ ଟାଇପ୍ର ଇନଅର୍ଗାନିକ୍ ମେଟାଲ୍ ହେଉଛି, ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ନିରାମିଷ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ବି ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କହିଥିଲି ଯେ ସବୁ ଜିନିଷ ଏକ୍ସେସ୍ ହିଁ ଖରାପ, ଆମର ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ଡାଏଟ୍ ହେବା ଦରକାର। ଡାଏଟିସିଆନ୍ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ସବୁ ପୋଖତ ଡାଏଟିସିଆନ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେମାନେ ହାର୍ଟ ସମସ୍ୟା ଅଛନ୍ତି କି ଆପଣ ବ୍ରେନ୍ ସମସ୍ୟା, କିଡ଼ନୀ ସମସ୍ୟା, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଚାର୍ଟ ଅଛି ଯେ ଆପଣ କେତେ ଦିନ ଆଇଁଷ ଖାଇବେ, କେତେଟା ଅଣ୍ଡା ଖାଇବେ, କେତେ ଗ୍ରାମର ମାଛ ଖାଇବେ କିମ୍ବା ମିଟ୍ ଖାଇବେ, କେତେ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ଖାଇବେ, ସବୁର ଗୋଟେ ଡାଏଟ୍ର ଗୋଟେ ଚାର୍ଟ ଅଛି। ଆମ ବଡ଼ି ଯେତିକି ଦରକାର ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ନେବା, ଯାହା ବି ଅଧିକା ନେବା ଖରାପ। ଆମିଷ ଖାଇକି ବି ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଗ ହେଉଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଗ ବି ହେଉନି। ନିରାମିଷ ଲୋକ ଜଣେ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାର ପାଇପାରିବେ, ଆମିଷର ବି ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଅଛି, ନିରାମିଷର ବି ଅଛି। ଯଦି ଅଧିକ ଖାଉଛନ୍ତି ବା କେଉଁ ଜିନିଷ କେତେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଡାଏଟିସିଆନ୍ଙ୍କର ମତ ନେବା ଉଚିତ ଶରୀରକୁ ଦେଖିକି। ସେ ତ ସୁଧାଂଶ ଅଧିକାରୀ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ନିରାମିଷର କଥା କହୁଥିଲେ ଏବଂ ନିରାମିଷାସୀ କେମିତି ସୁସ୍ଥ ଜୀବନକୁ ଲିଡ୍ କରୁଛି, ବଞ୍ଚିପାରୁଛି ତାର କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ। ଏବଂ ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମିଷର ବିକଳ୍ପ ଯଦି ଆମେ ପୁରା ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ଟର୍ମରେ ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ, ଏକଥା ବି କହୁଥିଲେ ଡାକ୍ତର। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, କାହାରି ବିକଳ୍ପ କେହି ନୁହେଁ, ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ନିଜର ରୁଚି ଏବଂ ଇଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଲଦି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣେ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯିବେ, ସେ 100 ବିକଳ୍ପ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ରେ। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ଡକ୍ଟର ସାର୍ କହୁଥିଲେ, ସବୁ ଜିନିଷ ମାତ୍ରା ଅଧିକ ଖାଇଲା ମାନେ, ଅଧିକ ଖାଇଲା ମାନେ ଦୋଷ ରହିଛି, ଏବଂ ସବୁ ଜିନିଷରେ ସେ ଅଛି, ଭେଜ୍ରେ ବି ଅଛି, ନନ୍ଭେଜ୍ରେ ବି ଅଛି। ତେଣୁ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା, ମୁଁ କହି ଆସୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆମେ ରାଗ ଲୁଣି ଖଟା ମିଠା ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଖାଇଦେଉଛେ ଦିନର ଯେତେବେଳେ ଆହାର ନେଉଛେ, କିନ୍ତୁ କଷା ପିତା ଆମେ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହା ଶରୀରକୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସେ, ତାହା କୌଣସି ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ କୁହାଯାଉନାହିଁ। ଯେମିତି ଅଁଳା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ, ହରିଡ଼ା କୁହନ୍ତୁ, ବାହାଡ଼ା କୁହନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ତ୍ରିଫଳା, ତାର ଶରୀର ରସାୟନ ବିଦ୍ୟା ଶରୀରକୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକାରେ ଅଛି। ଯେମିତି ବାଉଁଶ କରଡ଼ି କଥା ପଡ଼ିଥିଲା, ବାଉଁଶ କରଡ଼ି ରକ୍ତକୁ ପତଳା କରିବାରେ ଅହେତୁକ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଏଠି କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବଜାୟ ରହୁ, ଯାହାର ରୁଚି ଯାହା ସେ ଖାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷ ନ ଖାଇଲେ ଯେ ଆପଣ ରୋଗୀ ହୋଇଯିବେ, ଆଉ ଆପଣ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଅଣ୍ଡା ଖାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ମାଛ ଖାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ସେ ତର୍କରେ ମୁଁ ଏକମତ ହେଇପାରୁନି। ବାଧ୍ୟ କେହି କହୁନି, ଯେ ନିଜ ରୁଚିରେ ଖାଦ୍ୟର କଥା ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାରର କଥା ଖାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋତେ ମାଂସର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଅଣ୍ଡାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଯଦି କାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେ ନିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ଆୟୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି, ଯଦି ସେ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଆପଣ ନେବେ, ସଂଖ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ଙ୍କର ଅଧିକ। କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର କହୁଥିଲେ ସେମିତି କିଛି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଯେଉଁମାନେ ନିରାମିଷ ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ। ଗବେଷଣାର କଥା, ଗବେଷଣା କଲେ ଆମେ ତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଗବେଷଣା ଏଥିରେ ହେଇଛି କି ପ୍ରକୃତରେ? ସାର୍ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିରାମିଷ। 126 ବର୍ଷର ଆୟୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ଶିବାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଯିଏକି ପଦ୍ମ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଲେ, ସେ ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ ସେଥିରେ। ଓକେ ଡାକ୍ତର, ଆପଣ କହିପାରିବେ କି ଆ ଉପରେ? ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଯୁଗରେ ନାଇଁ, ସେ ତ ଅଜୟ ଦାସ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ, ଖାଲି ମୁଁ ଡାକ୍ତର ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରକାଶ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ମତ ନେଉଛି। ଗବେଷଣା ଯେମିତି କହିଲି, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଗବେଷଣା ଥାଏ। ଆମେ କେସ୍ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛେ ନା ଗୋଟେ, ଆମେ ଗୋଟେ ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ୍ ଷ୍ଟଡି କରୁଛେ। ଗୋଟେ ଲୋକ 125 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲେ, ଆମେ ଦେଖିଲେ ହଁ ସେ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ଖାଉଥିଲେ ବୋଲି, ତା ବୋଲି ମାନି ନେବାନି କି ଯେଉଁମାନେ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଦିନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼େ, ଗୋଟେ ରିଟ୍ରୋସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ଷ୍ଟଡି କରାଯାଉ, 15,000-20,000 ଲୋକ ନେଇ କରାଯାଉ, ଯେଉଁମାନେ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଭରେଜ୍ ଆୟୁ କେତେ ରହୁଛି, ନନ୍ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଭରେଜ୍ ଆୟୁ କେତେ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ନଲେଜ୍ ଅଛି, ଆମେ ରୁଟିନ୍ ଯାହା ଦେଖୁଛେ କିମ୍ବା ଯାହା ତଥ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ସେମିତି କୌଣସି ନାହିଁ କି ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ଖାଇଲେ ଆପଣ ଅଧିକ ଦିନ ବଞ୍ଚିବେ, ନନ୍ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ଖାଇଲେ କମ୍
दिन बचे निकट को अजय दास निकट को भी खाली देवेंद्र सुतार कौन ए चाहिए आपण कहले जे जदि आपण निरामिष खाइबे ताले बहुत दिन बंचिबे मु दुई तीन टी उदाहरण दे दउछि स्वामी दयानंद सरस्वती जोगीराज थिले से मध्य निरामिष थिले 59 वर्ष बंची थिले मात्र स्वामी आदि शंकर 33 वर्ष मात्र बंची थिले एवं परमहंस योगानंद मध्य 59 वर्ष बंची थिले मु प्रत्येक मु प्राय रेगुलर खाए आमिष किंतु मु संतुलित भाव खाए एवं जोठी संक्रांति मासंत जो पुनै पर्व दिन मु कंपलसरी खाए मु एपर्यंत मोर 58 प्लस कोनोसी रोग नाही बाहर खाइले लोक आपन को टिके माने अलगा दृष्टि देखंती कि नाही मु आपन को जणै आपन चाहे जे संक्रांति रे आइस खाइबो मासंत रे आइस खाइबो नै रबार दिन खाइबो नै सोमवार दिन खाइबो एगुडी को किए कहिला एगुड़िक मणि यदि आम करवा जो साधारण लोक पूरा मगणारे पाती जो माछ मांस जो दिन रे से दिन से पाइब नहीं मानने पृष्टिहीनता हम जो मगणारे मिल जाऊँगी आप पानी तीन भाग पा जो से मगणारे से पाइप तो सीधा सुधार जदि आप बुधवार खाई आप शनिवार खाई अन्न बारे खाई से खाइले किसी असुविधा ना शास्त्र मत जो कथा कहूँ हाँ कौन सी बारे खाइले आपण मन ना कि सबुदिन खावा दरकार संतुलित भाव में खावा दरकार आपण खाई सागर पालन शाग खातु आपण सबुदिन संतुलित आहार खातु और सुषम खाद्य खातु सुषम खाद्यर लिस्ट आपण सप्तम श्रेणी में पढ़ाऊँ आम कहीं से ही सुषम खाद्य को पाऊन भारत बर्ष गोटे गरीब देश 20-70 भाग लोक इनकम करती जी ये रविवार सोमवार मंगलवार संक्रांति मसंत एमती करेंगे सी लोक मैंने रक्तहीनतार शिकार हे विशेष करके भारत बर्ष महिला माने अधिकांश लोक रक्तहीनतार शिकार हुंती एई कारण किंतु आउ गोटे जो पाप पुण्य रो कथा आमे जो कहुचे जे आपर आउ गोटे युक्ति होची आपण जो माने जीवे दयार कथा कहुचंती मानवीकतार कथा कहुचंती बा संविधान रो कथा उल्लेख करुचंती गोटे जीव को मारिबा ये गोटे पाप नुहे कि ए कथा आपण मानिबे नै आपण बॉयलर कुकुडा को आमे गोटे इंडस्ट्री भाबरे नै छै एवं ताको आमे प्रोडक्शन करुचे आमे तयारी करुचे बॉयलर कुकुडा को बॉयलर छेली को माछ को आम बहुत परिमाण रे तयारी करुचु ए मणिषर को उपयोग करिया पे मणिष सुस्थ सबल एवं दीर्घस्थायी लॉन्गजीविटी तार बढ़िबो केमिति सेति पे तयारी करा आपण ए जो छेली को हत्या करबा आपण ठीक अछि आपण ताको गोटे इंडस्ट्री हिसाब रे नैछंती अधिक प्रोडक्शन केमिति हेबो से दिगरे वैज्ञानिक चिंताधारा रे चिंता करछंती किंतु ये पाप कि नहि गोटे जीव हत्या इतिहास रो आरंभ करिये मणिषर जो विकास हैछि से मांस खाइकि ही विकास हैछि कंचा मांस खाइछि तापर तार आज विकास हैछि मणिष आज जो विकास रो स्तर रे पहुचिछि सेटा मांस माछ एउडा को खाइकि ही विकास रे पहुचि अजय दास जे ये क्रम विवर्तन मणिषर जे जो भाई भाव में लंगला है कि बुलूला मांस खाऊला पथर को पथर घसिला निया बाहर मांसरु इतिहास ए कथा को आप स्वीकार करेंगे एवं जो मुनि ऋषि मान उदाहरण दूसरे कम बयस में भितर कि देहत्याग करमिषासी तेल एभली कम दिन में कमी मृत्यु है आज्ञा आपण 30-40 वर्ष तल को जातु देखिबे सेतबेले रोग संख्या कम थिला किंतु से माने नीति नियम मानि चलुथिले वर्तमान ए जो पाप भरा बाड़ी आसी धर्म संकुचित कलियुग रे धर्म संकुचित धर्म बोली जिनिस रहु नाही धर्माधर्म विचार करुनांती तप विरहित सत्यं च दुरगत सत्य कथा कहिबा पई केही प्रस्तुत नाहंती आपण देखंतु वर्तमान आमे नीति नियम को छाड़ी आहार करुछंती रविवार मानिबा नाही गुरुवार मानिबा नाही अमावस्या संक्रांति मानिबा नाही आमिष भक्षण करिबा एति पई हमर रोग संख्या बढी चलीची केउठी आगरु एते डायबिटीज थिला बीपी ब्लड प्रेशर थिला गैस्ट्रिक थिला एबे आमे माने प्रकृत खाद्य ग्रहण करु न थिबारु प्रकृत दिन न मानिबारु ए सब सृष्टि हेउची एणु एति पई हमर शास्त्र सम्मत शास्त्र को मानिबा विधेय शास्त्र न मानिले हमर जो भागवत बाणी अच्छी सर्पे होइबे अल्पायुष पापे सकले जीवे नाश यही बारे आमिष भक्षण करिबा हमर बराहानी रो लेखिछंती जे पंजीकार लेखा अच्छी से प्रत्येक दिन लेखिछंती गुरुवार एही जिनिस भक्षण करिबो रविवार दिन आमिष गृही मसुर अटा निम्ब ए भक्षण करिबो नाही एगुडी को कोन से माने स्थिर न करी शास्त्र मतरे खाई आसी बारे आमिष खाई न खाई बुझा कि निश्चित आज्ञा शास्त्र को नहीं लोक शुद्धपूत भाव रही था आरोग्य हो रही था
तेणु आम ए सब धर्माधर्म को बर्जन कर नीति नियम को लंघन कर बहुत संख्या रोगाक्रांत हो पड़ी नीति नियम को लंघन कर किंतु ये प्रमाण करि पारुनी ए शास्त्र न मानिले ए सब असुविधार सम्मुखीन होउचे मनीष जे ए कथा गुडी को प्रमाण करि पारुनी जे को दिन जदि आपण आमिष खाउछंती पाप होउची आपणक पापर प्रमाण हे पारुनी आपण एथिरे अधिक भोगुछंती ताहा प्रमाणित हे पारुनी तेनो गुटे साधारण मनीष केमति ग्रहण करिवो केमति द्वंद भीतर रहिबो नाही तने द्वंद भीतर रहिबो नाही तेनो मनर पवित्रता करिबा पई आदित्य रविवार के होउची आदित्य वासर तेणु आदित्य बासर में आमिष भक्षण करने निषेध आम आज जे कथा प्रचलन अच्छी बहु पूर्वसूरी मान बहु ख्यातनामा प्रसिद्ध साधु संत मान लिखि जाइए मानवा निश्चित शास्त्र को भूली गले आमे मैंने तो कौन सी संस्था आम रही ना आम मन इच्छा मुताबक कार्य करवा आप देखु आगर कि व्याधि एत संख्यार था कि आम यही सब बार गुड़िक न मानी खाद्य ग्रहण आमिष भक्षण कर रोग संख्या आज विपुल संख्यार बढ़ी चलती सिक्त देवेंद्र सुतार ए जो रोग गुड़ी को विपुल संख्या रे आसुची जे डायबिटीज हार्ट ब्लड प्रेशर ए सबू जिनस पई बा आपण शास्त्र को मानु नहंती खाद्य ठीक समय रे खाउ नहंती बा संतुलित आहार नहीं एथी पई रोग नहीं नहीं एटा संपूर्ण भाव में विभ्रांतिकर एवं भ्रांत धारणा आपण देखिबे एक ख्रीष्टाब्दर 25 कोटी लोक थिले 1820 ख्रीष्टाब्दर हेले 100 कोटी लोक माने 1820 वर्ष लागिला जे 75 कोटी लोक बढ़ियापे किंतु आज 10 वर्ष रे 100 कोटी लोक बढ़ुचंती आज जिते बड़े आप स्वाधीनता बेलू भारत वर्षर लंजीविटी थी 33 वर्ष बर्तमान हो 70 वर्ष ताहले एते लोक संख्या बढ़िले केमिति एवं एते जो बयस एते लंजीविटी केमिति बहुची बंचिबार हारटा बढ़ीचे केमिति भारत वर्ष न पृथ्वीव्यापी तेणु एवं रोग बैराग जहाँ कथा कहउचंती झाड़ा रोग टी हेले मरिकी गाँ गंडा सफा हो जाऊला हईजारे लोक मरी जाऊ बसंत रोग में मरी जाऊ गाँ गंडा सफा हो जाऊला सब होता तेणु से जो रोग थी आज से रोग ना आज आप देखते दुई वर्ष भितर आम कोरोना को अक्तिर को निगला किंतु आपण देख प्लेग रोग देखिए हजार हजार वर्ष धरिकी रही बसंत रोग हजार हजार वर्ष धरिकी रही तेणु आज विज्ञान डेवलपमेंट फल स्वास्थ्य विज्ञान डेवलपमेंट फल एगुड़ी संभव होती आज एत रोग हूँ जो कथा कहुची आम जापे जे एत रोग आज दिन होपर तर्जमा चली रिसर्च होपण विभिन्न प्रकार मेडिसीन एवं टेक्नोलोजी एसब कथा बाहरी तेणु आ फल आज लोकर सुस्थ एवं निरोग रोचे अनेक समय अधिक दिन बंचुची आप देखते वयस्क लोकर संख्या आज भारत वर्ष देखु पृथ्वीव्यापी देखते केते बढ़ी तेणु आगर तो मातृमृत्यु हार होता पिलाटा जन्म करू करू मरी जाऊला माँ मरी जाऊला छुआ मरी जाऊला के आज दिन देखते तार कंपेयर करके तेणु आज एगुड़िक जेहेतु विकास होगुड़िक संभव आज नुह जे सेगुड़िक सब बढ़ी ता तुलन बहुत भाव में सुस्थ निरोग आज लोक रोचे दीर्घजीवी विज्ञान एम को बंचाई जे विज्ञान को मानिक आगे बढ़ी सी तो सुधांशु अधिकारी जे जुड़े तीन टी कथा उठला सारे कहते जे शास्त्र मानुना अवार में खाऊँच रोग व्याधि कारक होगुड़िक एवं श्रीयुक्त देवेंद्र सुतार भी से कहते एगुड़िक इंडस्ट्री भाव में गढ़ी उठी वर्तमान समय मु जीवहत्या महापापर कथा से कथा टी सामना को आणुली देखो आम जो इंडस्ट्री को बढ़ेगा से इंडस्ट्री बढ़ आम जदि मद इंडस्ट्री को बढ़ेगा चाहिए मद इंडस्ट्री भी बढ़ुच्च बढ़ सेमती पशुपालन क्षेत्र में भी होती विभिन्न प्रकार व्यवसाय संस्था को बढ़ेवाई आम गोटे विषय को आगे नहीं जावा नुहे सरकार कौन प्रायोरीटी अच्छी से तो सरकार कहे मोपाई प्रायोरिटी कौन मु अग्राधिकार भित्तिर काहा को ग्रहण करी से हूँ गुरुत्वपूर्ण मुठी कौन सी तर्कर सहमति मोटे प्रकाश करी ना जे मु गुरुवार खाइले कि सोमवार खाइले मोर पाप हो बुधवार खाइले मोर किसी हम ना मु बुधवार जो आईस खाई रात 12 गोटे बेलू भोजी खाई आसती से तो गुरुवार मो पेटे पूरा थी एमती भी किसी लोक अच्छे 12 पर खाइले हाँ गुरुवार रात 12 पर खाइले शुक्रवार से सब मनर स्थिति मनर दुर्बलता मो मु बुधवार दिन एमती प्लानिंग करी पूरा खाई जमती कि गुरुवार मोर मन पड़ोनि कितु केतटा क्षेत्र में एमती भी देखा जाए गुरुवार दिन मु पूरा व्रत पालन करुच्ची पूरा शुद्ध शाकाहारी होती किंतु योजना करुच्ची शुक्रवार दिन सकाल कौन खाई 12 अबार किसी ना कि मो मनरे जो शुक्रवार दिन योजना अच्छी मोर तो
अधावक्षण सेठी हेगला तेणु खाइबा विषय होचे एक स्वतंत्र विषय किंतु ये परस्पर कंट्राडिक्ट करुचे कि देखंतु बहुत लोक अबार रे जिबे बहुत लोक माने मार्केट खाली मा से बार रे बहुत क्वचित लोक मांस किणुथुबे माछ किणुथुबे एमिति मध्य देखा जाय अर्थात बहुत लोक विश्वास करुचंती जिंस को जोठी आपण निजक बुझेई पारिबेनी सेठी शास्त्र रो सहयोग नेबे आ जोठी शास्त्र आपण को कन्विंस करि पारिबो नै आपण सेठी विज्ञान को जाई कि खोजिबे ये खोजा खोजी पाठ तो चलो मते भगवान कौन एत बेक देना मु मोपाई कौन भल अभल जापरि मुक बेक अधिकारी जे मु जानी कौन खाइले मु भल एवं मुझे जन वेजिटेरियन डाक्तर पाखक जी से मत वेजिटेरियन लिस्ट पूरा सहे देदेवे मुझे नन वेजिटेरियन डक्टर पाखक जी सी रुचि अनुसार कहे पाठ से ही बतेबे एवं मुझे डक्टर को भी भेटी से कहते मोर सहयोगी मान को कही आप डक्टर्स ब्रांड दी पे ना किसी असुविधा हेनी ताले मु कोन मद्यपान को भी जीवी अच्छा तो ये तर्क भी आसीबो ओके डाक्टर सूर्यप्रकाश चौधरी मु आपनकर मत नेबी जे एठी मु जेमती आमिष मार्केट रो उदाहरण दउथली जे 12 अनुसार फंका भिडर कथा हमें चित्र देखु तो सही भली भाव रे जे विश्वास सेठी विज्ञान उपर आमिष निरामिष को नहीं कि हावी पड़े कि ए कथा को आपन देखंती कि एवं सार भी कहउतले गोटे डॉक्टर ब्रांड रो उदाहरण कोन दउथले शुणु शास्त्र एवं साइंस को जदि आम गोटे वितर्क करवा सीए हूँ तहार अंत ना जमी एवं समस्ते मो पूर्व पैनेलिस्ट कहते गोटे जिनस जाना जे आम जो जुक्ति करुचे आपड़ आमिष खाइले बेसी दिन बंची रे कि निरामिष खाइले भेजिटेबल्स खाइले बेसी दिन बंची रे से मुझे बट मुझे जानी जो मैंने आमिष निरामिष मिसिक खाऊ से सब अधिक दिन बंची रे जो मैंने बालान्स डाइट खाऊ से बेस किसी रोग हेनी से बेस सुस्थ रे तेणु एवं मैटर यहाँ नुह कि आम आमिष खाइबे कि निरामिष खाइबे से लोक चिंताधारा कि सब इम्पोर्टेंट हूँ आपड़ केमी प्रक्रिय खाऊँ आप प्योर फुड पाँच तो सब जिनस देखते आजिकल मार्केट आडल्ट्रेसन भेजिटेबल्स आपतु कौन कौ भेजिटेबल्स एवं आम ओडा कथा कहतु कि देश कथा कहतु सब जगह आप देखते आडल्ट्रेट हो प्योर भेजिटेबल्स एवं पारे कि जहाँ आप 10-20 वर्ष आगे पाते सबुथे केमिकल्स मिसिक ही भेजिटेबल्स तैयार होती आपड़ केमी कहीपरेंगे जो भेजिटेबल्स किसी सेमती साइड इफेक्ट ना कि किसी टक्सीन्स ना तृतीय जिन सतेज रखा सबुथिरे विषय अच्छी सबुथिरे शुद्धता अच्छी ताको एक संपूर्ण आवश्यकता अछि हमें केमिति फूड पाउचे सेटा गुरुत्वपूर्ण केमिति प्रोसेस करूचे सेटा गुरुत्वपूर्ण हमें जदि वेजिटेबल्स खाइबा किंतु अत्यंत खराब क्वालिटी तेल यूज करबा हमें वेजिटेबल्स खाइबा ताको फ्रिज रे रखी रखी सडे सडे खाइबा तो एही सब जिनस असुविधा आपण कहउछन्ति जे 12 अभाव रे किछ नै खाद्य रो मानक एवं खाद्य रो संतुलित आहार ये होछि गुरुत्वपूर्ण गोटे सुस्थ जीवन जीवा पई मु शेष प्रतिक्रिया सुक्त अजय दास कर नेबी सुक्त अजय दास जे ये विश्वास हुए तो अनेक लोकंकर अछि 12 अभाव को नै किंतु ए विश्वास उपर विज्ञान भारी पड़ुछि एही दृष्टिकोण रु जे सेमती कोनोसी तर्क बा तथ्य सामना को आसु नाही जे ए लोकटी अधिक पापर भागीदारी होउछि किछ लोक पाप पुण्य को अपेक्षिक शब्द भाव रे नियंती तो केमिति ए लोक माने द्वंद्वरे रहिबेनि आज्ञा हमर भागवत कहे जीपरे दया जारो नाही उद्धव चांडालटी से मन कर जने आमिष भक्षण करूछि से गोटे खासी काटिला कि मत्स्य को मारी खाइला सेतिरे माने जीवर दया नाही से कथा मध्य जे भली अछि आमर जने शाकाहारी लोक से कोन जीव रे जीव हत्या करू नै कि मने कर गोटे बाईगण गछरु बाईगण टिय पढ़ी चली छि ताकु से छेड़ै आनछि से गोटे जीव तार बढ़िबार शक्ति अछि ताकु मध्य से आनकि खाद्य रे परिणत करूछि चरक मुनि मध्य लेखि छंती अमावस्या संक्रांति पूर्णमी तिथि रे जे आमिष भक्षण करिवो ताकु फालेरिया रोग सृष्टि हेबो ये कथा ने कोन आमर शास्त्र सम्मत आमे काटि दै परिबा किंतु मोर कहिबा कथा हे विश्ववासी आपण माने आमिष भक्षण करंतु बा निरामिष भक्षण करंतु जेउ बाररे जहा जा निषेध करा जायछि ताकु मानिबा विधेय आमे माने याकु मानिले सेई विश्व चिंतामणि आपण मानंकर आम मानंकर सर्वस्मृति काले मंगल विधान करिवे शास्त्र को आमे जलांजलि देले ये सब उश्रृंखलित होइ जिवो एतिरे तिले मात्र संदेह नै शास्त्र को जो माने मानु नहंती से माने भलरे नहंती बा लक्ष्मी छोडा होइछंती ए सब प्रमाण हेई पारुनी सेति पई किछि लोक मानिबा पई याहाकु मध्य प्रस्तुत नहंती सुक्त अजय दास ताले तो आज्ञा आमे शास्त्र को संपूर्ण भूली जिबा मन इच्छा मुताबक जहाकु देखा जिवो तहा होबो एथि पई विश्व रे माने व्याधिर भरा माने विपदर भरा मारी आसुची धर्म बोली गोटे जिनिस आमे ताकु मानिबा धरांग धारा एतनिते धर्म मु जों कथा कहिछि
तेणु से धरारे जहा अच्छी आम ताकू पालन करवा विश्व चिंतामणि नारायण को दिने पचारी देले देवर्षि नारद आपण एते विपुल ऐश्वर्य अधिकारी हेले कि भली से कहिले विप्र प्रसादाते मम नाम विष्णु विप्र प्रसादाते मम भार्या लक्ष्मी विप्र प्रसादाते धरणी धरामी विप्र प्रसादाते वैकुंठे बसामी माने ये सब ब्राह्मण मानकर पूजा आराधना करी विश्व चिंतामणि नारायण निजे कहिले मु विष्णु नाम धारण करिछि लक्ष्मी सदृश्या पत्नी टे पाइछि आउ मु धरणी को मध्य धारण करिछि सही विप्रमानंग प्रसादर मु वैकुंठ बसिछि ठीक अछि शास्त्र को ओके मानिले ठाकुर न मानिले पथर मु कार्यक्रम को सारि बहुत बहुत धन्यवाद सुक्त देवेंद्र सुतार सुक्त सुधांशु अधिकारी सुक्त अजय दास डॉक्टर सूर्यप्रकाश चौधरी शेषर कौन एया निष्कर्ष से पहुंचा पड़ो कि जो माने विश्वास करुछंती धर्म को जो माने संस्कृति को जो माने इतिहास को विश्वास करुछंती बा ए मुनि ऋषि मानकर कथा को बा आम पौराणिक ग्रंथ को विश्वास करुछंती से माने ए बार मानकरे आमिष भक्षण करिवे नाही बा जो माने मानु नाहंती से माने भक्षण करिवे कि ये विश्वास विज्ञान को नहीं कि जितेबले पूरा तर्क लगातार भाव में चलो सेतेबले या कौन सी निष्कर्ष में पहुँची पारन ए अपेक्षा बा ए विश्वास आम मान भितर रही सिद्धांत आम पहुँचवा कि समय सरी दर्शक बंधु आलोचना को नमस्कार।